बी आर चोपड़ा बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। इनका पूरा नाम है बलदेव राज चोपड़ा। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1914 को अविभाजित पंजाब में। फिल्मों में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने ग्लैमरस लाइफ से जुड़ी पत्रिका शुरू की थी। हिंदुस्तान विभाजन के बाद वे पहले दिल्ली और फिर मुंबई चले गए। उन्होंने सीने हेराल्ड जर्नल के लिए फिल्म रिव्यू लिखकर अपने करियर की शुरुआत की थी। 1949 में उन्होंने अपनी फिल्म कारवा का निर्माण किया था। ये मूवी फ्लॉप हो गई। 1951 में उन्होंने फिल्म अफसाना के निर्माता और निर्देशक के रूप में फिर से अपनी किस्मत आजमाई, जो बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा हिट साबित हुई। 1955 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बी आर फिल्म्स बनाया। इस प्रोडक्शन हाउस के लिए उनकी फिल्म नया दौर बेहद सफल रही थी। उन्होंने टीवी पर महाभारत जैसे शो का भी निर्माण किया, जिससे उनकी एक अलग पहचान मिली। बी आर चोपड़ा का बंगला तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये फिल्म निर्माता के पुस्तैनी घर था। इस बड़े बंगले को रेणु चोपड़ा, जो बी आर चोपड़ा की बहू और दिवंगत फिल्म निर्माता रवि चोपड़ा की पत्नी है, उन्होंने रहेजा कॉर्प को 183 करोड़ में बेच दिया। बंगले के रजिस्ट्रेशन के लिए 11 करोड़ स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया है। प्रॉपर्टी डेवलपर वहां एक प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बी आर चोपड़ा का ये आलिशान बंगला सी प्रिंसेस होटल के सामने है, जहां से बी आर चोपड़ा अपना कारोबार करते थे। एक समय ये बंगला मुंबई की टॉप प्रॉपर्टी में गिना जाता था। इस बंगले में बड़े बड़े एक्टर बी आर चोपड़ा से मिलने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे।